Don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रफिया किचन यूट्यूब चैनल। आज की मेरी रेसिपी है मटन दम गोश्त का सालन। मटन दम का गोश्त का सालन एकदम सिंपल इजी तरीके से, ये देखिए एकदम मज़ेदार। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, दम के गोश्त की रेसिपी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो ड्राई मसाले रहते हैं ना वो पहले पीस लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये दो चम्मच धनिया है, दो चम्मच उसमें, दो चम्मच कोकोनट है, मैं सब भूरा ली, आप लोग खाली सूखा खोपरा भी ले सकते हैं। 5 काजू, 5 बादाम, 5 पिस्ता, ये भी पीस लेना। मिक्सी के जार में ये भी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए सूखे जो गर्म मसाला रहता वो ले लेना है। 3 कवाब चीनी है ये, 2 लौंग, 1 हरी इलायची, 1/2 चम्मच साजीरा, 1 चकला, ये पत्थर का फूल थोड़ा, और 10 से 12 काली मिर्ची, ये भी डाल लेना उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको पहले सूखा पीस लेना है। ये सूखा पीस लिए बस है, उसमें बाकी के मसाले डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको पीस लिया सा, अब इसमें दूसरे जो भी मसाले है वो डाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कोथमीर है थोड़ा, 3 से 4 पुदीने के पत्ते, थोड़े पुदीने के पत्ते 3 से 4 ही डालना, 3 से 4 हरे मिर्चों को ऐसा बीच में से तोड़ ली, ये ले लेना। थोड़ी अदरक, 3 से 4 इंच की अदरक, 10 से 15 लहसुन के कलियाँ, ये डाल लेना। ये कच्ची पपाई है 3 से 4 इंच की, ऐसा ये काट ली, इसमें ये भी डाल लेके ये मसाले में मिक्स करके थोड़ा पानी डाल के पीस लेना, पेस्ट बना लेना इसे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरा पेस्ट पीस ली, तो भरी मिर्चियाँ जो भी सूखा मसाला ली थी इसका पेस्ट बना ली। अब ये 1/2 किलो गोश्त है, बोटियाँ ज़रा ऐसा बड़े बड़े रहना, मैं बोनलेस ली, हड्डी वाला भी ले सकते हैं आप लोग। ये 1/2 किलो गोश्त है, साफ धो के अच्छा सूखा पानी निकाल ली। ये चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पेस्ट डाल लेना। ये 100 ग्राम दही है, अच्छा इसको फेंट लिए डाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 नींबू का जूस, बिस्मिल्लाह, 1 चम्मच भर के नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, 1/2 चम्मच हल्दी, इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची है, 1 चम्मच नॉर्मल मिर्ची है, कश्मीरी मिर्ची से अच्छा कलर अच्छा आता। बिस्मिल्लाह, 2 चम्मच लाल मिर्ची, बिस्मिल्लाह, 2 चम्मच का घी, 2 से 3 चम्मच तेल, ये दो मीडियम साइज़ की 2 से 3 प्याज के डल लिया, उसको अच्छा फ्राई कर लेके उसको ऐसा क्रश कर ली, ये डाल लेना। बिस्मिल्लाह, चलिए सारे मसाले इसमें चले गए, अब अच्छा इसको हाथ से अच्छा मिक्स कर लेना। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला को अच्छा हाथ से अच्छा मिक्स कर ली, 5 से 10 मिनट के तक अच्छा ऐसा मसल के, अब इसको ढाप के साइड में 2 घंटे रख देना, 2 घंटे भी रख सकते, ओवरनाइट भी रख सकते। चलिए 2 घंटे के बाद मिल, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला लगा के इसको 2 घंटे हो गया, अब चूल्हे पे रख के इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हाई फ्लेम पे अच्छा 2 से 3 मिनट पकने देना हाई फ्लेम पे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 से 3 मिनट हो गया इसको पकने का, अच्छा ज़रा एक बार अच्छा मिक्स कर लेना। बिस्मिल्लाह, चलिए तवे को हाई फ्लेम पे रख के, एक तवा पुराना जो तवा अपन यूज़ नहीं करते वो तवे को रख दी, रख के इसको अच्छा हाई फ्लेम पे गरम कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसके ऊपर ये रख देना, 1 से 2 मिनट ऐसी हाई फ्लेम पे रहने देना इसको। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे इसको अच्छा वो कर ली, उसका पानी गोश्त का दही का सब छूटता, इसमें पानी वानी डालने की जरूरत नहीं रहती, एक बार अच्छा मिक्स कर लेंगे। चलिए 1/2 घंटे के लिए एकदम लो मीडियम पे इसको छोड़ देना, खोलना नहीं, देखना नहीं, कुछ भी नहीं, 1/2 घंटा छोड़ देना इसे लो मीडियम पे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 30 से 35 मिनट होगा इसको रख के, देखिए
थाली ढाप के फिर उसके ऊपर वो वजन रखी थी ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखिए एकदम मज़ेदार दम का मटन तैयार है, एकदम सालन रेडी है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सालन को डिश आउट कर लेंगे, एकदम मज़े का बनता है ये, बहुत मज़े का। नान की रोटी के साथ सर्व करिए, प्लेन राइस के साथ सर्व करिए, एकदम मज़ेदार रेसिपी मेरी रेडी है। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए प्लीज़। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को। चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आप लोगों से मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।